फ्रेंड्स, वेलकम टू हेमाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सेजवान चटनी। इसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 लाल मिर्च, मोटी लाल मिर्च। ये देखिए, ये ऐसी है मोटी लाल मिर्च, ये आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगी। 1 कप टमाटर कटे हुए, बारीक कटे हुए, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कटोरी गार्लिक, 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 कप आपको कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट लेना है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन और मिर्ची को पीस लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट तैयार है। इनको थोड़ा दरदरा पीसना है। ये मिर्ची को हमने पेस्ट कर लिया है। ये देखिए, इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए। और ये हमारा लहसुन को हमने थोड़ा सा मोटा और दरदरा पीस दिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं बनाना। तेल को हम 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे धीमी आंच पे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें धीरे धीरे हम सारे इंग्रेडिएंट डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डाल देंगे। इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। दो मिनट के लिए लहसुन को इसमें थोड़ा सा भूनने देंगे तेल में, इस तरह से हिलाते हुए। लहसुन हमने 2 मिनट के लिए पका लिया है। इसमें हल्का सा ये पक गया है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो देखिए, ये साइड में थोड़ा सा चिपकने लग गए। तो हम इसमें मिर्च ऐड कर देंगे। जो हमने मिर्च का पेस्ट बना के रखा था उसको हम डाल देंगे इसमें। और इसके साथ साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़े गल जाए इसमें और अच्छे से इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, कुछ भी खाना बनाना है तो फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। बहुत तेज आंच पर खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसके पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं उससे, और खाने का टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता। जो मध्यम आंच पर पका होगा वो खाना पूरे उसमें फ्लेवर से अंदर चले जाते हैं और उस खाने का स्वाद कुछ अलग होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट हो गए हैं हमारे टमाटर, मिर्च और लहसुन को पकते हुए। अब इसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का जो हमने पेस्ट करके रखा था उसको डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए हमें 6 से 7 कश्मीरी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो कर रखना है और उनको पीस देना है। ये देखिए इसका कलर। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये थोड़ा खुशबू छोड़ने लगे या तेल छोड़ने लगे तो इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। दो टीस्पून हमने विनेगर डाला है इसमें। व्हाइट विनेगर लेना है, आप चाहे तो एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। अब बाकी के इंग्रेडिएंट हम इसमें डालना शुरू कर देंगे। धनिया पाउडर डाल दिया हमने, 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया था। धनिया पाउडर इसको थोड़ा सा इंडियन टच देने के लिए हम इसमें इंडियन मसाले यूज कर रहे हैं। हमारा देसी टच देने के लिए। इसके बाद हम काली मिर्च का पाउडर, हमने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, इसको डाल देंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, ड्राई जिंजर पाउडर 2 छोटे चम्मच, सोया सॉस डालेंगे 1 छोटा चम्मच। मेरे पास डार्क सोया सॉस है, 1 छोटा चम्मच हमने सोया सॉस डाला है इसमें। अब इसको
एक से दो मिनट के लिए खाली हमने पकाना है और हमारी शेजवान चटनी बनकर तैयार है। ये जब अच्छे से तेल छोड़ने लग जाए तो इसको हम बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे। तो लीजिए लीजिए फ्रेंड्स, हमारी शेजवान चटनी बनकर तैयार है, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, पिज्जा में लगा के खाएं, आप इसको कैसे भी खा सकते हैं। और आप इसको एक से दो महीने के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसमें कुछ गीला चम्मच ना लगाएं और गीला कोई बर्तन में इसको ना रखें, एकदम सुखाकर कांच के बर्तन में रखेंगे तो ये एक दो महीने खराब नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैंने ये रेसिपी अपने कुछ फ्रेंड्स की डिमांड पर बनाई थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।